एल्गोरिथम क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है, प्रोसेस है, ताकि कोई भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम आपके सामने जो है उसको सॉल्व किया जा सके। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है आपके लाइफ में या रियल लाइफ में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, मान लीजिए छुट्टी मनाने ही जाना है, तो आप क्या करते हैं, प्लान करते हैं, अपना एक सूटकेस रखते हैं। सूटकेस रखना भी एक प्लानिंग है। इसमें क्या क्या रखेंगे, टूथब्रश रखेंगे आप, अपना शूज रखेंगे, देखेंगे यहाँ ठंडी है गर्मी है, उस हिसाब से कपड़े रखेंगे, तो सारी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जैसे बैंकिंग सोल्यूशन आपको देना है, तो आप क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके हिसाब से आप एल्गोरिथम बनाएंगे, फिर जो प्रोग्राम आप बनाएंगे वो लिख के चलाना तो बहुत आसान है, लेकिन हर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऑर्गेनाइज का मतलब, मैंने एक प्रोग्राम लिखा चार लाइन में, हो सकता है आप ये प्रोग्राम दो लाइन में ही खत्म कर दें। ये भी हो सकता है कि ये जो दो लाइन है ये बहुत ही इफेक्टिव हो, ये चार लाइन इनइफेक्टिव हो। लेकिन अगर सीपीयू के हिसाब से देखा जाए, जो कंप्यूटर की मेमोरी के हिसाब से देखा जाए, तो हो सकता है कि ये चार लाइनें ज़्यादा बेहतर काम कर रही हैं इन दो लाइनों से। तो अलग अलग तरीके हैं, आप अलग सोचेंगे, मैं अलग सोचूंगा, हम दोनों के प्रोग्राम्स अलग होंगे, तो जो तरीका अपनाना है वो हमको ऐसा अपनाना है जिससे हम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे सके। तो जो प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन है, फाइनल प्रोग्राम आप जो लिखेंगे, उसके लिए एल्गोरिथम एक सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं आप। तो उसके बाद जब एल्गोरिथम आप लिख रहेंगे, उसके बाद आप एक काम करेंगे कि फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट क्या होता है, एक कोई भी चीज़ अगर आप डायग्राम में किसी को दिखाएं तो ज़्यादा समझ में आती है। यही जो प्रोग्राम आपने जो एल्गोरिथम सोचा है उसको अगर हम बॉक्स में दिखाएं, करेक्शन दिखाएं, एरोज दिखाएं, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे और वहां पर आपको क्लैरिटी आएगी कि यहां से हम यहां जा रहे हैं, अगर ये गलत हो गया तो कैसे जाएंगे, अगर यहाँ पर रोड ब्लॉक है तो कैसे जाएंगे, अगर मान लीजिए बी में कोई होटल है वो आपको नहीं मिल रहा था, कौन सा होटल लेना है, तो ये ए बी इफ एल्स, यहाँ नहीं तो वहाँ कैसे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएंगी। फिर फ्लो चार्ट को आप कन्वर्ट करेंगे प्रोग्राम कोड में। तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक बहुत इफेक्टिव तरीका है जिसमें आप जो फाइनाइट लिस्ट में एक तरीका अपनाते हैं, जिसमें कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक इनिशियल स्टेप से आउटपुट तक या फाइनल स्टेप तक आप वेल डिफाइंड यहां पर स्टेप्स लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैलकुलेट दो नंबर को ऐड करने का ही प्रोग्राम क्यों ना हो, जो इंस्ट्रक्शंस मैं ये कह रहा हूं, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप लिखेंगे, जो कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट करेगा, कंप्यूटिंग डिवाइस इसको एग्जीक्यूट करेगा या चलाएगा। जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी वो सब आप इसमें लिखेंगे, लेकिन एल्गोरिथम जो होता है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में होता है, सिंपल इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसको। जैसे पहले मुझे क्या करना है, दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, तीसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस तरीके से चौथे स्टेप में क्या करूंगा, हर एक स्टेप पे हम इंग्लिश में लिख देंगे। तो एल्गोरिथम का मतलब है द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम या कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिखते हैं प्रोसीजर को, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैगी बनाना है आपको। मैगी बनाने के लिए अगर आपसे कहा जाए, मैगी कोई कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम नहीं है, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए इसी का कोड लिखना पड़ जाए आपको, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो सबसे पहला तरीका क्या अपनाएंगे आप, सबसे पहले आप स्टेप वन करेंगे कि स्टार्ट, यहां से हम शुरुआत करने वाले हैं। स्टेप टू आपका होगा टेक पैन वाटर, पैन में आप पानी डालेंगे, फिर उसके बाद इसको बर्नर पे रखेंगे, पुट पैन ऑन द बर्नर, फिर स्विच ऑन द गैस बर्नर, फिर आप गैस बर्नर को ऑन करेंगे, फिर मैगी और मसाला एक साथ डालेंगे, दो मिनट के लिए बॉईल करेंगे, पैन को हटाएंगे, फिर मैगी फोर्क या स्पून से निकालेंगे, प्लेट में रखेंगे, सर्व करेंगे और आप यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो ये जो एग्जीक्यूशन किसी प्रोग्राम के जो तरीके हैं या स्टेप्स आपने लिखे हैं, इसको हम सीक्वेंस स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन, लूपिंग स्टेटमेंट, इन सब में डिवाइड कर सकते हैं। इसी को हम कहेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपने स्टेप देखे, क्या आपके स्टेप भी ऐसे होंगे? क्या आप पैन को वाटर में डाल के, मतलब वाटर को पैन में डाल के, क्या आप उसको बर्नर पर रखेंगे, या आप बोलेंगे नहीं साहब मैं ऐसे नहीं करता, मैं पहले इसको बर्नर पर रखूंगा,
फिर पानी डालूंगा, तो ये भी तो तरीका है। इसी तरीके से आप कहते हैं कि मैगी और मसाला मैं एक साथ डालूंगा, नहीं मैं मैगी को कुछ देर पहले पकाऊंगा उसके बाद मसाला डालूंगा, है ना। तो आपके पास स्टेप यहां पर एक और आ जाएगा, पुट मैगी एंड अलाउ इट टू बॉइल फॉर से 2 to 5 minutes, देन पुट मसाला, ये आप कर सकते हैं, है ना। आप क्या करेंगे, टेक ऑफ द पैन, अगर आप कहते नहीं मैं तो गरम गरम ही निकालूंगा तो ये आप कर सकते हैं। तो ये जो तरीके बता रहा हूं मैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि वेल डिवाइस्ड है, ये आपके ऊपर है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका अपनाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी प्रोग्राम को, जैसे ऐड करने का प्रोग्राम है और 2 और 3 को आपको ऐड करना है, इसको ऐड करने का क्या तरीका है, पहले यूजर से इनपुट कराइए, पहला यूजर से इनपुट कराइए, फिर दूसरा क्या करिए, इंद्र को ऐड करिए, पहले इनके लिए वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, ऐड करिए रखिए किसी तीसरे वेरिएबल में a+b, ए में 2 ले लीजिए, बी में 3 ले लीजिए, फिर तीसरा आप कर सकते हैं सी को आउटपुट कर दीजिए यूजर को। ये एक छोटा सा सीक्वेंस है, तो ये जो बहुत छोटा सा सीक्वेंस है, अगर यही चीज आपको बार बार करनी है तो आपको इटरेशन या लूपिंग में जाना पड़ेगा। अगर आपको कहना है कि देखिए अगर a और b इंटीजर्स है तो कुछ और एडिशन होगा, ए और बी अगर मान लीजिए रैशनल है तो कुछ एडिशन होगा, तो उसके लिए आप सिलेक्शन स्टेटमेंट में जाएंगे। तो ये अलग अलग चीजें कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाती है। सीक्वेंस स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, हर एक इंस्ट्रक्शन दूसरे के बाद काम करेगा, सीक्वेंस में काम करेगा, पहले ये फिर ये फिर ये। यानी कि अगर आपको गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है तो आप स्टार्ट करेंगे, प्रिंट गुड मॉर्निंग करेंगे, स्टॉप करेंगे। और प्रिंट अगर आप मान लीजिए इसको सी में लिखना चाहेंगे तो आप सीधा प्रिंट एफ करेंगे, डबल कोट्स में आप गुड मॉर्निंग लिख देंगे। यही अगर आप कोड करना चाहते हैं C++ में तो आप लिखेंगे सी आउट गुड मॉर्निंग। यही आप जावा में करना चाहते हैं तो system.out.println और अंदर आप GM कर देंगे। तो ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको अलग अलग बताई, और उसमें आपको अलग अलग मैंने बताया सिंटेक्स क्या होंगे, लेकिन ये सिंटेक्स सारे के सारे काम तो यही करेंगे ना। पहले स्टार्ट करेंगे आप, ये प्रिंट कर देंगे किसी भी कोड में और स्टॉप कर देंगे। तो ये सीक्वेंस है, एक के बाद एक काम होगा। जैसे आपको एल्गोरिथम लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो पहले आप स्टार्ट करेंगे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिए, एक रेक्टेंगल है, इसके लिए एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो आप क्या करिए, यूजर से लेंथ और ब्रेथ मांग लीजिए, वेरिएबल आप ले लीजिए एल और बी और स्टोर कर दीजिए, एल लेंथ को एल इसमें स्टोर कर दीजिए एल में, अब ब्रेथ को इसमें, ओके। उसके बाद आप तीसरा काम क्या करेंगे, एक ले लीजिए वेरिएबल ए, उसमें एल इंटू बी को मल्टीप्लाई करके स्टोर कर दीजिए। फिर आप क्या करिए, यूजर को दिखा दीजिए, यानी प्रिंट एफ कर दीजिए, मोस्टली मैं सी में ही लिखूंगा, प्रिंट एफ एरिया इज इक्वल टू, और यहां पर आप ए कर दीजिए प्रिंट, तो ए प्रिंट हो जाएगा, एरिया प्रिंट हो जाएगा, फिर स्टॉप कर दीजिए। तो दोनों ही एग्जांपल में आपने देखा कि हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एक के बाद एक आ रहे हैं, हम दोबारा कहीं वापस नहीं जा रहे या फिर कंट्रोल कहीं छोड़ नहीं रहे, इसीलिए इनको सीक्वेंस, जैसे आप कहते हैं ना जो क्यू में खड़े होते हैं लोग, सीक्वेंस में खड़े होते हैं, ऐसा होता है कि एकदम आप खड़े हैं और यहाँ पर टिकट टेलर है और एक आदमी जंप करके आ गया, बोले सर ऐसा है कि मेरा बच्चा बीमार है और मुझे प्लीज टिकट दे दीजिए, बाकी लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और परेशानी को जान के इसको टिकट लेने देते हैं। ये जो है जंपिंग नहीं हो रही, इसमें सीक्वेंस में चल रहा है, पहले ये लेंगे टिकट फिर ये, इस तरीके से सीक्वेंस में चल रहा है। सिलेक्टिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, सिलेक्टिव स्टेटमेंट अगर कोई कंडीशन है, यानी कि कल अगर बरसात होगी तो मैं छाता ले जाऊंगा, अगर कल बरसात होगी तब छाता ले जाऊंगा, अगर नहीं हुई तो छाता नहीं ले जाऊंगा। तो यहां पर कंडीशनल टेस्ट हो रहा है। अगर कंडीशनल टेस्ट ट्रू है तो कंपाइलर क्या करेगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी इंग्लिश लाइक में लिखते हैं, वो जाती है किसमें, मशीन लैंग्वेज में चेंज होती है। हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपके पास हर एक लैंग्वेज का कंपाइलर होता है, कंपाइलर, तो कंपाइलर इसको इसमें कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर का काम क्या है कि वो ये इंस्ट्रक्शन लेगा और ये देखेगा कि ये ट्रू और फॉल्स में उसको किस लाइन को एग्जीक्यूट करना है, ट्रू के लिए अलग पे जा सकता है, फॉल्स के लिए अलग पे जा सकता है। तो देखेगा अगर हम ये चेक करना चाहे कि कोई वोटिंग करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, मोर देन और इक्वल टू 18 years old, ये आपको कंडीशन दी गई है। तो आप स्टार्ट करेंगे, पहले तो यूजर से एज ले लेंगे और एज में रख देंगे, मान लीजिए एज आपने वेरिएबल बना लिया, उसमें यूजर से एज ले लेंगे। अगर आप एज लेना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट एफ
प्रिंट एफ, प्रिंट दी एज, और उसके बाद जैसे ही आप यूजर का वैल्यू एज लेंगे तो आप स्कैन एफ में ले सकते हैं इसको। स्कैन एफ प्रिंट एफ में से स्क्रीन पे प्रिंट होता है और स्कैन एफ से स्कैन हो जाता है, मतलब जो वैल्यू है वो इनपुट हो जाती है। उसके बाद जो एज में आपने वैल्यू डाल दी या आ गई, उस पर चेक करेंगे इफ, देखिए आप यहां पर मैं इफ लगा रहा हूं, यदि एज ग्रेटर देन 18 है तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे यहां पर इस स्टेप पे आएंगे। यदि एज 18, मतलब ये जो लाइन इसके बाद लिखी होगी वो आप लिखेंगे, यानी प्रिंट कराएंगे, मैं पी लिख देता हूं बस इसके लिए कि एलिजिबल, ई कर देता हूं बस। यदि एज जो यूजर ने डाली वो 18 से कम है तो आप क्या कराएंगे, एल्स में प्रिंट करा देंगे नॉट एलिजिबल, एनी कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एज बड़ी, एज 18 से ऊपर है तो ये फोर्थ पे जाएगा, अगर एज 18 से कम है तो ये फोर्थ पे जाएगा ही नहीं, इस लाइन पे जाएगा ही नहीं, ये सीधा यहां से जंप करके यहां चला जाएगा। तो यानी कि यहां पर कंडीशनल टेस्ट हुआ और सिलेक्टिव स्टेटमेंट चले, सारे नहीं चल रहे, या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, दोनों में से एक बार में एक ही चलेगा, यानी दोनों एक साथ नहीं चल सकते, फिर आप स्टॉप कर देंगे। इसे कहते हैं सिलेक्टिव स्टेटमेंट। अगर एक एल्गोरिथम आपको लिखना है ये जानने के लिए कि कोई नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट करिए, नंबर ले लीजिए यूजर से, एन में उसको रख लीजिए वेरिएबल में, वेरिएबल वो होता है जो वेरी करेगा पूरे प्रोग्राम में, इसे वेरिएबल बोलते हैं, इसे एन, ए बी, ए से लेकर जेड तक कोई भी ले सकते हैं, नॉर्मली हम एक्स और वाई का यूज करते हैं, नंबर के लिए एन का यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप स्टोर कर दें एन में, फिर आप अगले स्टेप पे आइए, स्टेप थ्री पे, चेक एन, अगर एन ग्रेटर देन जीरो है तो आप क्या करेंगे, आप सीधा इस पांचवें स्टेप पे आ जाएंगे, अगर एन ग्रेटर देन जीरो है तो सीधा इस पे आएंगे, अगर फोर्थ पे, अगर एन लेस देन जीरो है तो आप क्या करेंगे, सीधा आप नेगेटिव पे आएंगे, अगर ये दोनों ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये दोनों कंडीशन अगर फेल हो जाती है दोनों, तो आप सीधा सात पे आ जाएंगे। तो देखिए आपने अगर यहाँ एन ग्रेटर देन जीरो है तो बाकी सब छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये दोनों छोड़ दिए, ये वाले ये एन ग्रेटर देन जीरो है तो ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, इस पे आ गए। ऐसे एन लेस देन जीरो है तो ये आपने छोड़ दिया और इक्वल इस पे आए, ये भी छोड़ दिया, तो दो कंडीशन आपने स्किप कर दी, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशन के हिसाब से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर आप स्टॉप कर देंगे। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो इनपुट के हिसाब से जो एल्गोरिथम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और वो ट्रू और फॉल्स सिचुएशन में बता रहा है आपको किस जगह पे जाना है। इटरेटिव स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट मतलब ये है कि बार बार कोई काम करना है किसी कंडीशनल टेस्ट पे, यानी कि एक ही लाइन, एक ही इंस्ट्रक्शन या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको बार बार चलाने हैं, तो इसे हम कहते हैं लूपिंग या इटरेशन। लूपिंग का मतलब यू चलाते जाइए, चलाते जाइए, चलाते जाइए जब तक कोई कंडीशन मीट नहीं होती। जैसे अगर आपको एक एल्गोरिथम लिखना है प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू एन, मान लीजिए आपको पांच यूजर एंटर कराता है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक प्रिंट कराएंगे, अभी पांच तो नहीं हुआ, फिर दोबारा चलाएंगे इस लूप, दोबारा एग्जीक्यूट होगी इंस्ट्रक्शन, दो प्रिंट होगा, फिर दोबारा करेंगे आप, फिर तीन प्रिंट होगा, फिर दोबारा करेंगे चार प्रिंट होगा, फिर दोबारा करेंगे पांच प्रिंट होगा, अब जो पांच तक लिखना था वो आप यहां पर आ गए, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, अब आप बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हमको प्रिंट करना हो एक ऑल नेचुरल नंबर अप टू एन, तो आप सबसे पहले यूजर से एंटर कराएंगे नंबर को, स्टोर कर लेंगे एन में, फिर क्या करेंगे, आई कोई भी आई एक वेरिएबल लेके चल सकते हैं, उसको वन से शुरुआत करेंगे, और जब तक ये एन तक नहीं पहुंचता, जैसे मैंने कहा पांच तक नहीं पहुंचता, आप फिर किस स्टेप पे चले जाएंगे, पांच पे, यहां पर अब प्रिंट करेंगे आई को, वन वन प्रिंट कर लिया, फिर इंक्रीमेंट करेंगे आई को एक से, यानी दो होगा, फिर आप क्या करेंगे अगेन, फिर चेक करेंगे, गो टू स्टेप, फोर्थ स्टेप पे जाएंगे आप, उसके बाद देखेंगे कि क्या ये एन तक हुआ, पांच तक बना, नहीं, तो आप क्या करेंगे, फिर से प्रिंट आई करेंगे दो को, और उसके बाद इंक्रीमेंट कर देंगे उसको वन से, अब थ्री हो चुका है, फिर आप फिर से स्टेप पे जाएंगे तीन चार, और जब पांच पे आ जाएंगे आप, जैसे आप यहां पर चेक कराएंगे बार बार चलते चलते, ये चलता जा रहा है, जैसे आप जाएंगे और यहां पर देखेंगे कि हाँ ये पांच हो गया है, अब ये बोलता है कि गो टू स्टेप एट, जब पांच पे आ गए तो अब ये तीनों नहीं चलाने, अब सीधा आपको यहां पे आ जाना है स्टॉप। तो इसमें क्या हुआ, ये जो पांच छ और सात, पांच छ ये सात है,
पांच छह और सात कितने बार चला ये आपका पांच बार चला, मतलब ये तीनों लाइन पांच बार एग्जीक्यूट हुई। क्यों? क्योंकि हमें पांच तक पहुंचना था या एन तक पहुंचना था। एक बार हम एन पे पहुंच गए सीधा हम स्टॉप करेंगे। तो चार पांच बल्कि चार भी एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि चेक भी हो रहा है। तो चार पांच छह और ये सात, ये जो चार आप इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं ये एक से ज्यादा बार रन करेगी।